Hi kids, I'm Apple. A-P-P-L-E spells apple. I'm crispy, juicy, and come in red, green, and yellow colors. I'm perfect for snacks and making yummy pies. दोस्तों आप ये किड्स चैनल पर देख सकते हैं कि कितने मिलियंस व्यूज आए हैं और ये चैनल एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है। इस चैनल पर सारी किड्स की एजुकेशन वीडियोस हैं, जिसमें फ्रूट्स की वीडियोस हैं, एनिमल्स की वीडियोस हैं, स्टोरी की वीडियोस हैं और कुछ वीडियोस पर आपको 40 मिलियंस व्यूज मिलेंगे, 50 मिलियंस व्यूज मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह के बच्चों के लिए एनिमेशन एजुकेशन वीडियोस क्रिएट करना चाहते हो, वो भी सिर्फ कैनवा का यूज करके, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप किस तरह से 3D एनिमेशन सिर्फ कैनवा से तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ चंद स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ। स्टेप वन में आपको करना है कि आपके पास कोई वीडियो का आइडिया हो, जैसे कि किड्स वीडियो आइडियाज में नेम रूट आ गए, नेम लेटर, किड्स सॉन्ग्स, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको नेमिंग फ्रूट्स और स्पेलिंग द फ्रूट्स पे ट्यूटोरियल सिखाने जा रही हूँ। आप हमें 100 फ्रूट्स के नाम चाहिए, इसके लिए हम जाएंगे ChatGPT पे। यहाँ पर आपको लिखना है गिव मी आवर लिस्ट ऑफ 100 डिफरेंट फ्रूट्स, तो ये हमें 100 फ्रूट्स के नेम लिख के दे देगा। अब हम इसको बोलेंगे इन फ्रूट्स का एक ग्रुप बनाना है जिसमें 9 फ्रूट्स हों, तो ये हमें कुछ इस तरह के फ्रूट्स के ग्रुप बना के देगा। अब हम ChatGPT से बोलेंगे कि हमें हर फ्रूट जो है अपना इंट्रोडक्शन दे और किड्स को अपने फ्रूट के स्पेलिंग भी बताए। ChatGPT ने हमें कुछ इस तरह का इसका इंट्रो दिया है। हमारे पास बहुत से फ्रूट्स आ गए हैं, इनमें से हम एप्पल, बनाना और ऑरेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो अब हमारे पास फ्रूट्स के इंट्रो आ गया है, इसके स्पेलिंग भी आ गए हैं, तो अब हम चलते हैं वीडियो क्रिएट करने की तरफ। तो इसके लिए आपको सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा जो कि है कैनवा। आपको कैनवा पे लॉगिन कर लेना है। हम यहाँ से फ्लायर को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे एलिमेंट्स पे, यहाँ पर हम लिखेंगे एप्पल, ग्राफिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एप्पल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें से हमने ये एप्पल सेलेक्ट कर लिया है, इसके साइज को हम एडजस्ट कर लेंगे। जब ये एप्पल का साइज एडजस्ट हो जाए तो इसके बाद लिखेंगे कार्टून लेग्स, इनमें से हमने ये वाले लेग्स को सेलेक्ट कर लिया, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से एक लेग जो है इसको रिमूव कर लेंगे, दूसरी वाली लेग की कॉपी करके हम दूसरी साइड पे भी एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें अपने कार्टून के लिए बाजू चाहिए, इसके बाजू भी सेलेक्ट कर लेंगे, इनको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ये फ्रंट पे आ रहे हैं, इसको हमें बैक करना है, इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे, इसको हम करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट और लेग्स को भी ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अब ये इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हमें कार्टून का एक स्माइलिंग फेस चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कार्टून फेस, हमें इसमें से ये वाला फेस पसंद आया है, इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें अपना जो कार्टून कैरेक्टर है इसके बाजू और टांगों का कलर चेंज करना है। कलर वाली ऑप्शन पे यहाँ से हम इसके कलर को सिलेक्ट करेंगे, रेड को क्लिक करेंगे, तो ये इसके पाँव का कलर चेंज हो जाएगा। दूसरे का भी हम इसी तरह कर लेंगे और इसी तरह हम बाजू के भी कलर चेंज कर लेंगे। तो ये आपका एप्पल कार्टून कैरेक्टर बनके तैयार हो चुका है। अब आपको लास्ट ये करना है कि इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आपने दूसरे भी कार्टून कैरेक्टर जो है वो बना लेने हैं। जब आप इसको डाउनलोड कर लें तो फिर आपको करना ये है कि सबसे पहले इसको अनग्रुप करें, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें। इसके बाद आप इसके फेस को हटा दें, यहाँ से एप्पल को डिलीट कर दें, यहाँ पे हम ऑरेंज लिखेंगे, यहाँ से हम ये वाले ऑरेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसके टांगों और बाजुओं का कलर चेंज कर देंगे, जैसे कि हमने पिछली दफा किया था, और अब हम इसके फेस की जो है एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारा ऑरेंज भी यहाँ पे तैयार होके आ चुका है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पर बनाना भी तैयार करना है, तो ये हमारा बनाना भी तैयार होके आ चुका है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आती है स्टेप 3 की बारी जो कि है वॉइस ओवर। तो इसके लिए हम जाएंगे क्रिजो AI वेबसाइट पे, यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल मिल जाएंगे वॉइस के, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे 3 डिफरेंट स्टाइल चाहिए। सबसे पहले मैं इसका स्लाइड सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पर मैं जाऊंगी ChatGPT पे जो हमने स्क्रिप्ट तैयार किया था, यहाँ से हम एप्पल की प्रॉम्प्ट था उसको उठा लेंगे, हम इसमें डाल देंगे और यहाँ से हम इसको ऑडिशन पे सेलेक्ट करेंगे।
और यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी एप्पल की वॉइस तैयार होके आ चुकी है। इसके बाद हम ऑरेंज की वॉइस भी यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली ऑरेंज की वॉइस सिलेक्ट कर ली और इसको भी डाउनलोड कर लिया। इस तरह हमने बनाना की भी ऑरेंज तैयार कर ली। इन सबको हमने डाउनलोड कर लिया। तो दोस्तों हमारा स्टेप टू भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप थ्री की, जो कि है एनिमेटेड ड्राइंग। तो आपको इसके लिए गूगल पे एनिमेटेड ड्राइंग लिखना है। आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी गेट स्टार्टेड की, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना जो भी एलिमेंट है उसको अपलोड कर देना है, अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है, इसको नेक्स्ट कर देना है, इसको फिर से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप किस तरह से अपने कार्टून कैरेक्टर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप आगे कर दें, फिर आप इसको नेक्स्ट पे कर दें। यहाँ पर आपको बहुत सी एनिमेशंस मिल जाएंगी, हाई की एनिमेशंस, बाय बाय की एनिमेशन, डांस की, फनी, सब वॉकिंग की, सब कुछ एनिमेशन मिल जाएगी। आप कोई भी अपने कैरेक्टर को उस एनिमेशन में मूव करवा सकते हो। तो हमें यहाँ पर एनिमेशन चाहिए, एक तो हाई की चाहिए और तो दूसरी डांस की चाहिए। हम सबसे पहले हाई वाली एनिमेशन एप्पल पे लगाएंगे। एप्पल हमारा हाई कर रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हम डांसिंग वाली एनिमेशन लगाएंगे, इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह हमारे जो दूसरे करेक्टर हैं उनको भी हम तैयार कर लेंगे। दोबारा से हम इसी ऐप पे जाएंगे, दोबारा से यहाँ पे पिक्चर अपलोड करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसके बाद यहाँ पे जो आपका दिल करे वो एनिमेशन लगा सकते हैं। जब आप तीनों कार्टून्स की एनिमेशन लगा चुके तो उनको डाउनलोड कर लो, तो ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपकी बारी आती है स्टेप नंबर 4 की। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैनवा पे। आप जब कैनवा पे जाओ तो यहाँ से आप वीडियो वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो। वीडियो वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो वीडियोस डाउनलोड की थी उनको अपलोड कर दो, वॉइस भी अपलोड कर दो। तो इसके बाद आपको जाना है एलिमेंट पे। यहाँ पर आपको कार्टून बैकग्राउंड ढूंढनी है। तो यहाँ पर हमें ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लगा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम एप्पल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसकी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। इसका बैकग्राउंड वाइट आ रहा है तो इसको हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है। हम एडिट वाली ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम बैकग्राउंड रिमूव की ऑप्शन मिलेगी, इस पे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये हमारी कार्टून कैरेक्टर की बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी यहाँ से वॉइस ऐड कर देंगे और इसके बाद जो यहाँ से कैरेक्टर के जो बॉल थे वो भी हम ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, यहाँ से एप्पल के जो वर्ड्स है उसको हम से कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, इसको एडजस्ट किया, इस पे एनिमेशन लगा दी। इसको कॉपी करके हम साथ वाले पेज पे भी कर देंगे। यहाँ पे इसका पूरा इंट्रोडक्शन डाल दिया, फिर यहाँ से हम इसको प्ले करके देख लेंगे। Hi kids, I'm Apple. Apple spells apple. I'm crispy, juicy. And come in red. ये देखें दोस्तों ये कितना जबरदस्त लग रहा है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद हम दोबारा से दूसरी एनिमेशन को तैयार करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारी एनिमेशन वीडियो किस तरह की तैयार हुई है, जो कि हमने कैनवा का यूज करके बनाई है। Hi kids, I'm Apple. Apple spells apple. I'm crispy, juicy, and come in red, green, and yellow colors. I'm perfect for snacks and making yummy pies. तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो कि हाउ टू क्रिएट एनिमेशन वीडियो यूजिंग कैनवा, 3D एनिमेशन विद कैनवा, आपको किस तरह लगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।